सभी मेरे सम्मान्य साथियों को रिंकू गोंडा की तरफ से जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसे कि आपको सभी साथियों को पता है, बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्मदिन पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है, और इसी तरह हम लोग करनाल में सेक्टर 16 अंबेडकर भवन में बाबा साहब का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। ये हमारा प्रोग्राम पूरे जिला सत्र का है और हमारे करनाल में 5 विधानसभा है। इस हमारे प्रोग्राम में 5 विधानसभा से बच्चे, बूढ़े, मेरी माताएं, बहनें, सभी सर्व समाज जांघिया लेके, डीजे लेके बड़े ही होशो उल्लास से यहाँ पहुंचेंगे। और हमारे कार्यक्रम का समय हमने जो रखा गया है वो है सुबह 9 बजे से 2 बजे तक हमारा कार्यक्रम का जो कार्यक्रम चलेगा उसमें हमारे वक्ता आएंगे, वक्ता को बोलने का मौका दिया जाएगा। और जैसे कि हमने 8 से 10 हज़ार आदमियों के लिए खाने का भी प्रबंध किया हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारा मेन मकसद यही है इस प्रोग्राम को करने का कि बाबा साहब के बारे में सभी को पता चले, क्योंकि लोग हमारे भूलते जा रहे हैं इनके अधिकारों को। हम ये चाहते हैं कि अंबेडकर जी के अधिकारों से हम सभी लोगों को, अपने समाज को अवगत कराएं, और इस प्रोग्राम में सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 128वें जन्मोत्सव के उपलक्ष में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम शनिवार 13 अप्रैल 2019, स्थान अंबेडकर भवन, सेक्टर 16, समय 9 बजे, समस्त डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सभाएं, सभी यहां इनवाइट हैं। और जो ये हमारा प्रोग्राम है, ये एक सामाजिक प्रोग्राम है, ना कि ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम है। हमने जो ये प्रोग्राम किया है वो सिर्फ हमने मंच, एक सामाजिक मंच है, ना कि राजनीतिक मंच है। जो भी हमारे भाई यहाँ पे पहुंचेंगे वो सभी पार्टियों से संबंध रखते हैं, और हमने सभी को इनवाइट किया हुआ है। हमने उन सभी को यही बात बोली है कि सिर्फ एक दिन, जो कि ये बाबा साहब का दिन है, सभी अपनी पार्टियों को भूल के समाज के हित में बात करें, बाबा साहब के हित में बात करें, और हमने अपने सर्व समाज को इकट्ठा रखना है। इस प्रोग्राम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी यहां पहुंचेंगे और सभी भाईचारे का प्रतीक देंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और मैं रिंकू गोंडा, मेरी तरफ से मेरे सभी महापुरुषों को सत सत नमन। क्रांतिकारी जय भीम।